18 हफ्ते के बाद बिग बॉस 16 से सुंबुल का सफर हुआ खत्म। एविक्शन के लिए अपने नाम की घोषणा सुनकर खुशी से उछल पड़ी सुंबुल। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई कंटेस्टेंट अपने एविक्शन की घोषणा सुनकर खुश हुआ हो, और वो सुंबुल के साथ हुआ। दरअसल सुंबुल के मन में कहीं ना कहीं ये बात सता रही थी कि उसकी गलती की सजा कहीं शिव और स्टैन को ना मिल जाए, और यही कारण था कि सुंबुल एविक्शन की घोषणा के बाद बेहद खुश नजर आई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी छलकते दिखाई दिए। तो सुंबुल के बिग बॉस के सफर की अगर बात की जाए तो बिग बॉस 16 में सुंबुल ने 18 हफ्ते पूरे किए और वो फिनाले से एक कदम पहले घर से बाहर हुई है, यानी फिनाले वीक के एक दिन पहले। सिर्फ एक हफ्ते का गेम और बचा है, यानी आने वाले वीकेंड पर फिनाले होगा और उसी दिन ये पता चल जाएगा कि 19 हफ्ते चले इस रियलिटी शो को आखिरकार कौन सा कंटेस्टेंट जीतता है। इस समय घर में 6 कंटेस्टेंट मौजूद हैं: प्रियंका, शिव, अर्चना, शालीन, निमृत और एमसी स्टैन, और इन्हीं लोगों में से कोई एक विनर बनेगा। दरअसल बिग बॉस के लगभग हर सीजन में 5 फाइनलिस्ट होते हैं, ऐसे में ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि 6 सदस्य अभी भी बचे हुए हैं, यानी मिडवीक एविक्शन अभी भी हो सकता है और वो शॉकिंग मिडवीक एविक्शन हो सकता है, और उसके बाद जो 5 लोग बचेंगे वो फाइनलिस्ट माने जाएंगे, यानी जिनमें से एक का एविक्शन होगा और एक सूटकेस लेकर जाएगा और बाकी के 3 में से एक विजेता और 2 रनर अप बनेंगे। अगर मिडवीक एविक्शन नहीं होता है तो फिर 6 फाइनलिस्ट बन जाएंगे और एक एविक्शन, एक सूटकेस, बाकी बचे 4 लोगों में एक विजेता और 3 रनर अप हो सकते हैं। तो आखिरकार क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन सुंबुल इस समय शो से बाहर हो चुकी हैं और सुंबुल का सफर शो में 18 हफ्ते तक चला, और सुंबुल को शो की शुरुआत में कमजोर कंटेस्टेंट माना जा रहा था, लेकिन शो के आखिरी दौर में वो जमकर खेलते हुए नजर आई और जो कुछ भी दाग सुंबुल पर लगे थे वो सब कुछ मिटा कर वो यहाँ से गई है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।